आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी जी के बारे में। जया किशोरी पूरे हिंदुस्तान में नानी बाई को मायरो और भागवत कथा नरसी का भट्ट कथाएं करने के लिए प्रसिद्ध रही हैं। वे बहुत अच्छे भजन भी गाती हैं और जहां भी उनके कार्यक्रम होते हैं वहां लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं। जया किशोरी की अध्यात्म में रुचि कब से हुई यह जानना बेहद दिलचस्प होगा। उनके परिवार के लोग बताते हैं कि 6 वर्ष की उम्र से ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण से स्नेह हो गया था और इसके बाद से ही वे धर्म के प्रति अपना लगाव रखने लगी। 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने सुंदरकांड का इतना अच्छा पाठ किया कि सभी चकित रह गए और इसके बाद से ही वे लोकप्रिय हो गई। उनके पिता का नाम है शिव शंकर शर्मा और उनकी माता है गीता देवी। उनकी एक छोटी बहन भी है। जया किशोरी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने बीकॉम तक पढ़ाई की है और सबसे बड़ी बात यह है कि वे अपने आप को न तो साधु बोलती हैं, न संत बोलती हैं और न साध्वी बोलती हैं। वे कहती हैं वे तो एक बेहद साधारण लड़की हैं। वे कोई साधु संत नहीं है और न ही उन्हें साधु संत बनना है। वे समय आने पर शादी भी करना चाहती हैं, परिवार भी बसाना चाहती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका यह कहना है कि वे कथा वाचन का कार्य कभी भी बंद नहीं करेंगी। वे उनका यह भी कहना है कि ठाकुर जी की सेवा वे कभी नहीं छोड़ेंगी। उनके परिवार में शुरू से ही भक्ति का माहौल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि यही बात उनके लिए प्रेरणा बनी। जया किशोरी का पूरा नाम जया शर्मा है और उनका जन्म 13 जुलाई 1996 को हुआ। उनका परिवार कोलकाता में रहता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जया किशोरी के प्रवचनों से कथा वाचन से जो भी पैसा प्राप्त होता है वह पैसा उदयपुर के प्रसिद्ध नारायण सेवा संस्थान को दे दिया जाता है। नारायण सेवा संस्थान के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ पर अपंग और दिव्यांग बच्चों की सेवा की जाती है। तो ये था जया किशोरी का संपूर्ण परिचय। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।